जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम राहुल सिंह सिसोदिया हैगा। इंदौर डिफेंस एकेडमी में आपका बहुत स्वागत हैगा। आज हम देखा जाए तो पीवाईक्यू देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे हैं, जिससे हम डायरेक्ट केमिस्ट्री पर अप्रोच करते हैं कि वहां पर हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें और डायरेक्ट चीजें लर्न करके याद करके टॉपिक को और हम टॉपिक को कवर कर लेते हैं। ठीक है जी, तो कुछ क्वेश्चंस में वीडियो टू वीडियो लेकर आएंगे हम और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते जाएंगे। जैसे यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा कि 2019 के कुछ क्वेश्चन है, कुछ 20 के क्वेश्चन है और उनको हमको देखना आएगा वन बाय वन। ठीक है बेटा जी, चलिए जी पहला क्वेश्चन हैगा जी। पहला क्वेश्चन अगर देख लीजिए 214 में, टू आइडेंटिकल सॉलिड पीसेस वन ऑफ द गोल्ड एंड अदर ऑफ द सिल्वर व्हेन इमर्ज्ड कंप्लीटली इन वाटर एग्जिबिट इक्वल वेट्स। इमर्ज्ड मतलब भाई एक दूसरे को उसको घोल लिया जाए, मिला लिया जाए। ठीक है जी, जैसे अगर हम बात करें सोने का पानी जब चढ़ाया जाता है तो इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा उसको इमर्ज किया जाता है, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट लिया जा रहा है। क्या लिया जा रहा है जी? इक्विवेलेंट वेट लिया जा रहा है किसका जी? सॉलिड और गोल्ड का। व्हेन वेटेड इन एयर, अगर हम इसको एयर में रखेंगे, ठीक है जी, गिवन द डेंसिटी ऑफ, किसकी ज्यादा होगी? गोल्ड इज ग्रेटर, गोल्ड की डेंसिटी ग्रेटर है देन द सिल्वर। ठीक है जी, ठीक है, तो यहां पर अगर आपसे पूछा जा रहा है कि किसकी मतलब दोनों की डेंसिटी है, तो गोल्ड पीसेस विल वे मोर, द सिल्वर पीसेस विल वे मोर एंड बोथ सिल्वर एंड गोल्ड पीस। अब देखिए जी, सीधी सी बात है कि यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ पर किसकी डेंसिटी ज्यादा है जी? गोल्ड की डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पर गोल्ड की डेंसिटी ज्यादा है तो इट मीन्स उसका वे ज्यादा होगा। सीधी सी बात है क्योंकि मोलर मास किसका ज्यादा होता है? गोल्ड का, AU, AU का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू AG। चलिए जी, तो नेक्स्ट इसमें अगर हम बात करें इस वाले में, तो द गोल्ड पीसेस विल वे मोर, ठीक है जी, इसका वे ज्यादा होगा, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा जी? ए। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं जी 215 पर। 215 पर अगर हम बात करें PCl5, क्या लिखा जी? PCl5, ठीक है जी, PCl5 मॉलिक्यूल हैज द ट्रायगोनल बायपिरामिडल स्ट्रक्चर। क्या दे रखा है जी? ट्रायगोनल बायपिरामिडल स्ट्रक्चर, देयरफॉर द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फॉस्फोरस ऑर्बिटल शुड बी, फॉस्फोरस के ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो लास्ट जैसे लेक्चर में भी हमने इसको देखा था, फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा जी? तो फास्फोरस की अगर हम बात करें, यहां पर अगर हम बात करें नंबर ऑफ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, साथ में यहां पर क्या दे रखा है? 5 क्लोरीन दे रखा है, 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 5, और ये खुद बोल रहा है 5 जब आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलते हैं? sp3d, या तो क्या बोलेंगे? sp3d, या इसको हम कई बार dsp3 भी बोलते हैं, dsp3। 5 तरीके का ऑर्बिटल आया तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3d या dsp3। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है जी? डी। इसका राइट ऑप्शन क्या है जी? डी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बेटा जी, क्वेश्चन हैगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोनो एटोमिक फॉर्म, है ना, इनमें से कौन मोनो एटोमिक फॉर्म है? तो पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर मैं बात करूं, सिर्फ ग्रुप नंबर जो 0 है या 18 हैगा, ठीक है जी, वो मोनो एटॉमिक फॉर्म में होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं जी? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो हीलियम क्या होगा जी? मोनो एटॉमिक फॉर्म में होगा, तो इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा जी? हीलियम। इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा जी? हीलियम। इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा जी? हीलियम। ठीक है जी, चलिए इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, इन ग्रेफाइट इच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम। बिल्कुल गुड, ग्रेफाइट की अगर हम बात करें तो ग्रेफाइट में जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 होता है, जिसके कारण इसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है और ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। क्या होता है जी? पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। दूसरा, ये पैरामैग्नेटिक नेचर होने के कारण इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बताता। क्या बताता जी? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बताता। अगर इसकी बात करूँ, sp2 हाइब्रिडाइज होता है तो इसका शेप होता है जी ट्राइगोनल प्लेनर। अब ये जो ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ये हेक्सागोनल फॉर्म में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कैसे फॉर्म में जुड़े होते हैं? बेंजीन की रिंग जैसा हेक्सागोनल फॉर्म में जुड़े होते हैं। किस फॉर्म में जुड़े होते हैं? हेक्सागोनल फॉर्म में इस तरीके से जुड़े होते हैं और शीट फॉर्म में होती है। तो ग्रेफाइट के लिए अगर बात करें, फॉर्मिंग ए 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर इन द सेम प्लेन गिविंग ए हेक्सागोनल अरे, तो ये किस में होगा जी? प्लेनर होगा और हेक्सागोनल अरे में जमा होगा। थर्ड ऑप्शन क्या दे रखा? इन द सेम प्लेन गिविंग ए स्क्वायर, नहीं भाई स्क्वायर में नहीं होता है, इन द सेम प्लेन गिविंग ए पेंटागोनल अरे, नहीं भाई। और अगर इसको बहुत अच्छे से अगर आपको पढ़ना हैगा, तो हम अगर यहाँ पर आपको बताया था 11th की, यहाँ पर अगर आप बुक देखेंगे NCERT की, 11th की जो NCERT की बुक हैगी, उसमें आपको वॉल्यूम 2 में ये मिल जाएगा जी, वॉल्यूम 2 में जहाँ पर पी ब्लॉक हैगा, ठीक है जी, तो उससे रिलेटेड आपको ये चीज़ दिख जाएगी। तो मैंने आपको शुरू में भी ये सारी चीज़ें बताई थी। चलिए
ठीक 2195 पर अगर हम बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज अ मोर फंडामेंटल। एटॉमिक नंबर क्या होता है का? अगर मैं बात करूं एटॉमिक नंबर की, किसकी बात करूं जी, एटॉमिक नंबर क्या होता है जी, प्रोटॉन का नंबर। न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन का नंबर को ही हम क्या बोलते हैं जी, एटॉमिक नंबर कहते हैं। ठीक है जी, प्रॉपरली देन एटॉमिक मास, हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट हैज मेड अप ऑफ द स्टेटमेंट। ठीक है जी, ये स्टेटमेंट किसने दिया था, तो हेनरी मुसले ने ये दिया था जी। ये स्टेटमेंट किसने दिया था जी, हेनरी मुसले ने, है ना जी। ये स्टेटमेंट किसने दिया था, हेनरी मुसले ने। नेक्स्ट अगर हम बात करें, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विथ, अगर आप इवेपोरेशन की बात करेंगे तो सरफेस एरिया अगर आप बढ़ा दिया जाए तो इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। ठीक है जी, ह्यूमिडिटी की बात करें, दूसरा विंड स्पीड की या टेम्परेचर की, तो ए डिक्रीज टेम्परेचर अगर आप करोगे तो इवेपोरेशन घट जाएगा, पर इंक्रीज करना है का? तो उसके लिए आपको क्या करना होगा जी, सरफेस एरिया बढ़ाना होगा। क्या बढ़ाना होगा जी, सरफेस एरिया। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 221 की, तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है जी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ए मिक्सचर। ठीक है जी, अबाउट ए मिक्सचर। ठीक है जी, यहाँ पर दो मिक्सचर की अगर बात की जाती है तो दो स्टेटमेंट है। तो अगर हम बात करें दो सबसे, इस स्टेटमेंट में राइट वन कौन सा आएगा, ए सब्सटेंस कैन बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ द मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, एनी फिजिकल प्रोसेस में इसको सेपरेट आउट किया जा सकता है क्या, नहीं। दूसरा है डिजोल्व सोडियम क्लोराइड, अगर हम सोडियम क्लोराइड को डिजोल्व करते हैं, कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय फिजिकल प्रोसेस इवेपोरेशन। हाँ जी, कर सकते हैं। तो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट आएगा, तो ओनली टू इज करेक्ट आएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट रहेगा। अगर मैं इसमें अगर बात करूं, एलिमेंट आर डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे पजेस, हमें क्या चाहिए, नॉट करेक्ट। हमें क्या चाहिए जी, नॉट करेक्ट। ठीक है, तो एलिमेंट आर डिफाइंड, एलिमेंट कैसे बताया जाते हैं जी, प्रोटॉन के नंबर से बताया जाते हैं जी। ठीक है, आइसोबार आर द एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, नहीं भाई। आइसोबार क्या होता है, आइसोबार वो होते हैं जिनमें मास सेम हो, आइसोबार वो होते हैं जिनमें क्या हो जी, मास सेम, मास क्या हो जाए जी, सेम, बट मास सेम बट एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट, एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट। एटॉमिक नंबर अगर आपका डिफरेंट हैगा तो वो क्या कहलाएगा जी, आपका आइसोबार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आइसोबार। तो आइसोबार आर हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और यही राइट होना चाहिए। दूसरा अगर हम बात कर लेते हैं, द मास नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियन इन इट्स न्यूक्लियस, जी ये भी करेक्ट हैगा। द मास नंबर ऑफ द एन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियन, न्यूक्लियंस का मतलब क्या होता है जी, प्रोटॉन का नंबर प्लस न्यूट्रॉन का नंबर। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम, हाँ जी, वैलेंसी जो होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी है। तो नॉट करेक्ट में आपका सेकंड आ जाएगा, नॉट करेक्ट में क्या आ जाएगा जी, सेकंड आ जाएगा, नॉट करेक्ट में आपका सेकंड आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर रहेगा जी। चलिए जी, नेक्स्ट देख लेते हैं जी क्वेश्चंस 22 के बाद 223। चलिए जी, 223 की अगर हम बात करें, द टेम्परेचर ऑफ इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, अगर फिर से पूछा आएगा द रेट ऑफ द इवेपोरेशन, द रेट ऑफ इवेपोरेशन के लिए क्या चीज होगी जी, द रेट ऑफ द इवेपोरेशन लिक्विड डज नॉट डिपेंड, किस पे डिपेंड नहीं करता जी, टेम्परेचर पे डिपेंड करता हैगा। ठीक है जी, इट्स सरफेस एरिया एक्सपोज टू द एटमोसफियर, हाँ जी, इस पर भी डिपेंड करता हैगा। दूसरा मास पर, हाँ जी, मास पर डिपेंड नहीं करता जी। अगर मैं बात करूँ इवेपोरेशन की बात करूँ, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे पर उसके मास से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ा दिया टेम्परेचर बढ़ा दिया हो जाएगा। दूसरा ह्यूमिडिटी भी जो होती है कि वो गर्मी को बढ़ा देगी जी, हीट को बढ़ा देगी, जिससे इवेपोरेशन बढ़ जाएगा जी। ठीक है जी, नेक्स्ट अगर बात करें, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑन थिन गोल्ड फॉइल वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, नहीं प्रोटॉन की, नहीं एटॉमिक न्यूक्लियस, यस एटॉमिक न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं थी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं की थी, उन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी, एटॉमिक न्यूक्लियस। एटॉमिक न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है जी, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाया जाता है। ठीक है जी, तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी थी जी, खासतौर पर पॉजिटिव चार्ज की। नेक्स्ट आ जाएगा द नंबर ऑफ एलिमेंट, द एलिमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर आइसोबार, आइसोबार क्या होते जी, अभी हमने बात करी थी, आइसोबार क्या होता है जी, सेम एटॉमिक नंबर
सॉरी सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है जी। तो आइसोबार हो जाएगा जी सेम मास, तो सेम मास ऊपर है हाइड्रोजन वन, इधर थ्री, सेम है ही नहीं। यहाँ पर भी सेम है क्या? नहीं है। यहाँ पर भी सेम है क्या? नहीं है भाई, ठीक है जी। यहाँ पर भी सेम नहीं है, यहाँ पर सेम है। आर्गन का मास 40 और कैल्शियम का मास 40, तो इनका दोनों का मास सेम, जिनका मास सेम वो आइसोबार कहलाते हैं जी। वो क्या कहलाते हैं जी? आइसोबार। तो इसमें सही कौन सा ऑप्शन होगा जी? ऑप्शन डी, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। फिजिबल कौन सी रिएक्शन नहीं है जी? यहाँ पर अगर देखें तो आयरन से सल्फेट बन रहा है, यहाँ पर भी सल्फेट है, यहाँ पर भी सल्फेट है। एक ही जो फिजिबल रिएक्शन नहीं हैगी जी वो क्लोराइड, ठीक है जी। कॉपर क्लोराइड यहाँ पर नहीं फॉर्मेशन होता हैगा, वो आप देख सकते हैंगे, ठीक है जी। तो ये बात हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। ए सॉल्यूशन हैविंग ए पीएच इक्वल टू जीरो इज नोन एज, ठीक है जी। देखिए जी, अगर हम यहाँ पर बात करें ए सॉल्यूशन हैविंग पीएच इक्वल टू जीरो, ऐसे सॉल्यूशन जिनका पीएच जीरो होता है, ऐसा कोई सा भी सॉल्यूशन नहीं जिसका पीएच जीरो हो, ठीक है जी। तो जहां पर वो जब जीरो की बात कर रहा है इट मीन्स वो क्या होगा जी? हाईली एसिडिक होगा। सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा जी? हाईली एसिडिक सॉल्यूशन होगा। अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें मैच लिस्ट वन मैच लिस्ट टू सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग कोड, ठीक है जी। बोरिक एसिड, बोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है बी ओ, ठीक है जी। अगर बोरिक एसिड की बात करें तो बी ओ एच ट्राइस, ठीक है जी। बोरिक एसिड है तो बोरिक एसिड एंटीसेप्टिक का काम करता है जी। किसका काम करता है जी? एंटीसेप्टिक का। आपको पता होगा कि बोरिक पाउडर होता है, बोरिक पाउडर को खोपरे के तेल के साथ मिला लो तो जहां पर भी वाउंड है जख्म है तो उसके ऊपर लगाया जाता है। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पर सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड फूड प्रिजर्वेटिव में काम करता है जी। किसमें काम करता है जी? फूड प्रिजर्वेटिव में। दूसरा अगर हम बात करें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक एंटासिड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक एंटासिड का काम करता है। और एसिटिक एसिड पिकल में विनेगा, ठीक है जी। एसिटिक एसिड CH3COOH ये क्या होता है जी? विनेगार होता है जिसको पिकल में डाला जाता है। तो ए बी सी डी के 1 2 3 4, तो इसका राइट ऑप्शन है जी फर्स्ट। इसका राइट ऑप्शन कौन सा है जी? फर्स्ट। व्हेन एयर इज ब्लोन फ्रॉम माउथ इनटू ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है जी। अब अगर हम बात कर रहे हैं जब भी हम ब्लोन करेंगे तो हम क्या करेंगे जी? कार्बन डाइऑक्साइड फूकेंगे, ठीक है जी। फ्रॉम माउथ इनटू टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर, लाइम वाटर हैगा इट मीन्स उसमें क्या है जी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका लाइम वाटर हैगा, चूने का पानी। द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, क्यों मिल्की हो रहा है? क्योंकि वो कन्वर्ट हो रहा है कैल्शियम कार्बोनेट में। किसमें कन्वर्ट हो रहा है जी? कैल्शियम कार्बोनेट में, दिस इज ड्यू टू, ठीक है जी। तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हो रहा है जी, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिल्वर आर्टिकल्स बिकम, सिल्वर आर्टिकल्स मतलब सिल्वर की ज्वेलरी बिकम्स ब्लैक आफ्टर सम टाइम्स व्हेन एक्सपोज टू एयर, तो भैया एयर में क्या है? सल्फर प्रेजेंट होती है। कि जितने भी हमारी मेटल होती है वो सब ऑक्साइड बनाते हैं, पर सिल्वर जो होती है वो सल्फाइड बनाती है ना जी। तो ये याद रखना है का? तो सिल्वर रिएक्ट्स विथ मोस्ट, सिल्वर रिएक्ट्स विथ सल्फर, ठीक है, इन द एयर एंड फॉर्मिंग कोटिंग सिल्वर सल्फाइड। क्या बना लेती जी? सिल्वर सल्फाइड बना लेती, जिसके कारण वो क्या होता है आपका? सिल्वर ब्लैक दिखता है। तो बाकी की चीजें हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।